नमस्कार, मैं हूं धीरेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम रिपोर्ट। बदमाशों में खाकी का जरा सा भी खौफ नहीं रह गया है। हत्या और हत्या के प्रयास, अपहरण और रंगदारी के मामले में आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला प्रयागराज की झूसी पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पुलिस को दी चुनौती। बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। गोली मारकर फरार हुए बदमाश। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों में खाकी का जरा सा भी खौफ नहीं है। बेखौफ बदमाश आए दिन खाकी को चुनौती दे रहे हैं। हत्या के प्रयास, अपहरण और रंगदारी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज के झूसी पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। भरे बाजार में गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। इस गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए कैसे बाइक सवार तीन बदमाश आते हैं, दुकान के अंदर घुसते हैं और गोली मारकर हथियार को लहराते हुए फरार होते हैं। जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, उससे साफ है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी विजय अग्रवाल को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं, कौन मारा ये तो नहीं पता, लेकिन तीन लोग आए थे, इतना पता चला। तीन लोग आए थे तो उन्होंने फायरिंग की तो भागे अंदर की तरफ, फिर दो फायरिंग और हुई लेकिन गोली लग नहीं पाई, मतलब सिर्फ टच होके निकल गई है। तो वही फिर सब लोग चिल्लाए तो वो लोग भाग गए, तो फिर वही सब फिर हॉस्पिटल वगैरह। नहीं, हमारे घर पे नहीं हुई थी, बगल में बात आई थी। बात कहा है कि आदमी घर पे सुरक्षित नहीं है, तो बाकी अन्य रोड पे चलने वाला आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, है? और जिस समय की वारदात है, 100 नंबर की गाड़ी खड़ी थी और सुबह की वारदात थी, सारे लोग यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद आधे घंटे बाद यहाँ फोर्स आती है, जो कि 10 कदम की दूरी, रोड उस पार चौकी है, रोड इस पार घटना हो रही है, तो ये बड़ी पुलिस प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की बात है। कितना विश्वास है पुलिस पे? अब विश्वास क्या सर, ऐसे विश्वास तो उठता जा रहा है। अगर इस तरह से आदमी घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम रोड पर चलने वाले की क्या व्यवस्था होगी? आपको बता दें कि गोली लगने से पहले विजय अग्रवाल के भतीजे से कुछ दिन पहले ही नैनी सेंट्रल जेल में बंद झूसी इलाके का हिस्ट्री शीटर संतोष यादव ने 10 लाख रुपए की रंगदारी फोन पर और मैसेज करके मांगी थी, जिसमें व्यापारी की तरफ से झूसी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि नैनी जेल में बंद संतोष यादव ने कुछ दिन पहले ही 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसमें उसके विरुद्ध मामला भी दर्ज कराया गया था। आशंका कि उसी ने ही जेल में बैठकर अपने शूटरों से इस वारदात को अंजाम दिलाया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SSP अतुल शर्मा, खुद SP गंगापार के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। SSP का कहना है कि दुकान के अंदर घुसकर बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारी है। जेल से धमकी के मामले में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। झूसी थाने में आज तीन बदमाश जो आए थे, उन्होंने, विजय अग्रवाल है, व्यापारी हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, इनके ऊपर आए थे और फायर किए। इनके पैर में गोली लगी है और ये अभी खतरे से बाहर हैं, कोई बोन इंजरी नहीं है, एक्सरे हो गया है और हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज डेवलप किए, इन पर जल्दी कार्रवाई करके इनको पकड़ा जाएगा। इसमें 20 दिन में पहले एक FIR लिखाई गई थी, जिसमें ये था कि संतोष यादव नाम का जो व्यक्ति है जेल में बंद है, वहाँ से रंगदारी की मांग कर रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने इसकी वैसे भी पहले इसी चर्चा खराब थी, क्योंकि अभी एक मर्डर खुलासा हुआ है, उसमें भी इसी का हाथ था। तो इस प्रकार से जो इसमें कुख्यात छवि थी, इसके आधार पर हम लोगों ने इसकी एक रिपोर्ट बना करके मैंने और DM साहब ने लगभग
एक महीने से ऊपर डेढ़ महीना हो गया हमने इसको भेजा था, तो आज पता चल रहा है कि उसका ट्रांसफर यहाँ से बरेली जेल में हो गया है और हम लोग इस संबंध में भी कार्रवाई जल्दी करेंगे। फिलहाल पुलिस एक बार फिर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन प्रयागराज से जिस तरह से तस्वीर सामने आई है उसने पुलिस महकमे पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल इस बात का है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। लाइव टुडे के लिए प्रयागराज से सैयद आकिफ रजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बाग में एक युवक का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या अंगोछे से गला घोट कर की गई थी। जब ग्रामीणों ने बाग में शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की खबर पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात को लेकर जांच में जुट गई। हरदोई में युवक की गला घोट कर हत्या, बाग में मिला युवक का शव, हत्या से इलाके में फैली सनसनी, हत्यारे का नहीं मिला सुराग। उत्तर प्रदेश में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से आया है, जहां पर एक बाग में एक युवक का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई है। युवक की हत्या अंगोछे से गला घोट कर की गई। जब ग्रामीणों ने बाग में शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने उसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी तो चीख पुकार शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद जब इस मामले की खबर पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचे और युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात को लेकर जांच शुरू कर दी। अतरौली थाना क्षेत्र में एक मनोज नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल है। वो लखनऊ में मजदूरी का काम करता है, पिछले कुछ दिनों से आया हुआ था। वो कल रात शादी में देखा गया था और आज फिर उसकी बाग में उसकी बॉडी पाई गई, जिसमें अपेरेंटली स्ट्रैंगुलेशन का मामला लग रहा था, परंतु स्थिति पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगी। घर वालों से बात हो गई है, वो तहरीर दे रहे हैं और मुकदमा कायम करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की। मृतक का नाम मनोज है और पुलिस को शक है कि उसकी हत्या उनके साथ रहने वाले लोगों ने की है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने वारदात के सबूत तलाशने की मौके पर बहुत कोशिश की, लेकिन वारदात को लेकर शराब की बोतल के अलावा कोई और सुराग पुलिस को नहीं मिला। पुलिस आशंका जता रही है कि आपसी विवाद के चलते मनोज की हत्या की गई, लेकिन मौके वारदात से कुछ ठोस सबूत न मिलने की वजह से पुलिस इस हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा पाई है। हाँ, पुलिस दावा जरूर कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी इस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है और आरोपी सलाखों के पीछे कब तक पहुँचते हैं। लाइव टुडे के लिए हरदोई से आदर्श त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई और शक के दायरे में खुद उसका पति और सास हैं। बताया जा रहा है कि अवैध पिस्टल से गोली लगने के बाद महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शुरुआती पड़ताल में हिस्ट्री शीटर पति विमल यादव को हिरासत में लिया है। देखिए क्या है ये पूरा मामला। चिन्हट थाना क्षेत्र के कंचनपुर मटियारी गाँव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कमरे से गोली की आवाज आई। दरअसल चौक निवासी 26 वर्षीय जूली यादव का विवाह विमल से 5 महीने पहले फरवरी में हुआ था। जिसके खिलाफ चिन्हट थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं,
अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था। तकरीबन आधी रात को गोली चलने की आवाज लोगों को सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा जूली कमरे में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को अवैध पिस्टल मिला। माना जा रहा है कि गोली इसी पिस्टल से चली, जिसकी वजह से जूली की मौत हो गई। पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेते हुए कमरे की जांच के लिए फील्ड यूनिट को बुलाया, जिसके बाद साक्षी के आधार पर पति विमल यादव और उसकी मां कलावती देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि हिस्ट्री शीटर पति विमल ने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन पति ने खुद पर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जूली की आत्महत्या की कहानी गढ़ दी। वजह ही तो समझ नहीं आ रही कुछ, क्या वजह है? इनके मायके में ही शायद कुछ बात हुई इनसे, क्या बात हुई होगी नहीं पता, यह नहीं पता चल रहा है। आने दीजिए उनको तो पता चलेगा। कैसे पता लगा आपको? मैं घर के बाहर चाचा के घर पे गया था, वहाँ से लौटा तो मम्मी की आवाज़ सुनाई थी हमको, तो इसे हम भाग के आए तो मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर कमरे में क्या देखा? कमरे में देखा कि इसने अपनी गोली मार ली थी, नीचे पड़ी थी। असलाह वैध पुलिस बता रही है, असलाह कहाँ से आया? असलाह पता नहीं कहाँ से लेके आई है, जानकारी नहीं मिल पा रही कि मायके से आई है 4-5 दिन पहले, तब फिर पता नहीं कहाँ से। हमको जी शौक नहीं किया आखिर क्या किया इसने, क्यों किया। कभी पत्नी ने आपको कोई बात बताई मायके में? कभी नहीं, कुछ नहीं, इतनी सीधी थी कोई मतलब ही नहीं था उसका। कभी घर पे भी सबसे इतना प्रेम से रहती थी हमसे, मम्मी से, मेरी बहनों से, भाइयों से सबसे इतना प्रेम था, तभी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा उसने कदम क्यों उठाया। पुलिस के मुताबिक पहले जूली के शव को ससुराल वाले कहीं ले जाने की फिराक में थे, लेकिन बाद में जूली के शव को उसके ही कमरे में वापस लिटा दिया, जिसके बाद 100 नंबर बुलाया गया। 100 नंबर की सूचना पर सीओ और तहसीलदार समेत चिन्हट कोतवाली की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक सर पर गोली लगने से महिला की मौत हुई है, जिसके बाद हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फोरेंसिक की फील्ड यूनिट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फिलहाल मौके से पति विमल यादव और उसकी मां कलावती को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये थाना चिनाट के मटियारी गांव की घटना है। यहाँ पे एक महिला जूली यादव है, जिन्होंने सूचना मिली पुलिस को कि उन्होंने पिस्टल से गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली है, तो उसी के संबंध में पुलिस आई है मौके पर। हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है इसके लिए। क्या वजह है अभी तक घर वालों ने बताई है? अभी तो इनके घर वाले हैं, मायके वाले आ रहे हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। इनके पति ये थाना चिनाहट के हिस्ट्री सीटर हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे, और उसके बाद फरवरी में इनकी शादी हुई थी और अभी ये घटना हो गई है। क्लियर कट सुसाइड है या मर्डर हुआ? अभी फील्ड यूनिट इसीलिए बुलाया गया है, हर पहलू पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। पुलिस को इतना जरूर यकीन है कि विमल ही अवैध असलहे को लेकर घर में रखा हुआ था और किसी बात को लेकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या की वजह क्या थी, यह भी जांच का विषय है और पुलिस सारे पहलुओं पर जांच और तफ्तीश कर रही है। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि वो लगातार उसके अवैध असलहे रखने का विरोध कर रही थी। घटनाक्रम के दिन आरोपी विमल यादव ने पुलिस के सामने उसकी मौत को आत्महत्या रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ाई पूछताछ के बाद हत्या आरोपी विमल यादव ने अपना जुर्म कबूल किया। अब पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ विमल यादव को जेल भेज दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे। अलीगढ़ के एक अस्पताल में डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है। डॉक्टर ने एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक 10 वर्षीय मरीज युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। दरअसल सासनी गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला भाजपुरा की रहने वाली एक युवती की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। परिजन इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल रूसा में युवती को भर्ती कराया। युवती की सेहत में सुधार देखने को मिला, लेकिन मरीज से एक डॉक्टर ने ऐसी हरकत की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल युवती की हालत जानने के लिए डॉक्टर कमरे में घुसा और परिवार के सभी लोगों को कमरे से बाहर कर दिया और डॉक्टर ने युवती के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया।
चीख पुकार की आवाज सुनकर परिजन कमरे की तरफ भागे तो युवती ने बताया कि डॉक्टर उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। परिजनों ने बाहर आकर देखा तब डॉक्टर मौके से फरार हो चुका था। अपनी बहन को एडमिट करने गया, उसको थोड़ी तकलीफ थी रूसा हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक डॉक्टर रहमान नाम की व्यक्ति ने मेरी बहन के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी और हमसे बोल दिया कि आप कमरे से बाहर चले जाइए, कुछ इलाज के दौरान कुछ इससे सवाल जवाब करने हैं, था इसके चेकअप करने हैं। चेकअप के दौरान उसने बहुत गंदी हरकतें करना शुरू कर दी, शोर मचाने पर मेरी बहन ने शोर मचाया, शोर मचाने के दौरान पता चला कि डॉक्टर रहमान ने उसके साथ बहुत बदतमीजी कर दी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ जो हुआ उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन है डॉक्टर रहमान, कहाँ पर काम करते हैं? सर डॉक्टर रहमान रूसा अस्पताल में काम करते हैं, ये आगरा रोड पर स्थित है। कब से भर्ती थी आपकी बहन? मेरी बहन 19 तारीख को 6 बजे भर्ती हुई थी तथा सुबह 20 तारीख को उसके साथ 6 बजे ये घटना हुई है। रूसा अस्पताल में एक बेटी कल 6:30 बजे भर्ती हुई थी और उसको मरीज का दौरा पड़ा था, उसके परिवारजनों ने उसको भर्ती कराया और रात भर उसका ट्रीटमेंट चला। सुबह करीब 6:30 बजे एक डॉक्टर जिनका नाम पता चला रहमान नाम उनका, वो अंदर आए प्राइवेट कमरे में और परिवार वालों को उन्होंने बाहर कर दिया और उस बिटिया के साथ शरारती हरकत उन्होंने की बिटिया के साथ, जिससे बिटिया चिल्लाई और सब लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टर रहमान भाग गए। बाद में जानकारी मिली कि डॉक्टर रहमान की शिकायत है, इससे पहले भी उच्च स्टाफ के लोगों ने भी शिकायत की, अब तमाम लोग यहाँ पर थाने में आए हुए और उनकी तरफ से तहरीर दी जा रही है। इस मामले की जानकारी पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी तो थाना अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए। थाना अध्यक्ष ने स्टाफ से जब डॉक्टर को बुलाने को कहा तो आरोपी डॉक्टर थाना अध्यक्ष के कहने के बावजूद भी नहीं आया। पीड़ित युवती के भाई की तहरीर पर डॉक्टर के खिलाफ सासनी गेट में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये सासनी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें एक पेशेंट थी 20 साल की युवती। उसने आरोप लगाया है कि सुबह जो है डॉक्टर जब राउंड पे था एक, तो उसने जो है उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। उसमें पुलिस ने जो है 354 के तहत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित के परिवार भी जो है अभी थाने पे बैठा हुआ है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गलत ये मुकदमा लिख दिया है, परंतु अभी इसमें जब हमको डायल 100 से सूचना मिली थी तो हमने मुकदमा लिखवा दिया है इसमें, और इसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर किस पे आरोप लगाए हैं? डॉक्टर के ऊपर, 354 के। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस आरोपी डॉक्टर को क्या सजा दिलवाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस घटना से सवाल काफी खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस डॉक्टर को मरीज भगवान के रूप में देखते हैं, अगर वही ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देने लगे तो डॉक्टर पर भरोसा कौन करेगा। लाइव टुडे के लिए अलीगढ़ से अर्जुन वैष्णव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध रोकने की चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाने में जरा से नहीं चूकते। ताजा मामला हमीरपुर जिले के थाना सिसोलर के भुलसी खदान का है, जहां पट्टा धारक के गुर्गों ने राइफल की गोलियों से ट्रक ड्राइवर को भून डाला। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए खनन के खेल में कैसे हुई मौत। खनन के खेल में फिर गई जान, महज 20 रुपए ने ले ली जान, ट्रक ड्राइवर को गोलियों से भूना। बड़ा सवाल, कब बंद होगा खनन का खूनी खेल? उत्तर प्रदेश के मुखिया अपराध रोकने की चाहे जितनी ही कोशिशें कर लें, लेकिन अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाने में जरा भी नहीं चूकते। ताजा मामला हमीरपुर जिले के थाना सिसोलर के भुलसी खदान का है, जहां पट्टा धारक के गुर्गों ने राइफल से ड्राइवर को भून दिया। पूरा मामला हमीरपुर जिले के भुलसी खदान का है, जहां एक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर मोरंग लेने गया था। मोरंग लेने के बाद ड्राइवर के पास लेबर को देने के लिए महज 20 रुपए कम पड़ गए, लेकिन वहां मौजूद पट्टा धारक की गनर को ये बात नागवार गुजरी। 20 रुपए न देने पर गनर ने राइफल से ट्रक ड्राइवर को अरुण को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
ड्राइवर की मौत के बाद लोगों ने खदान में जाकर जमकर हंगामा काटा। मेरा भाई का अरुण हमीरपुर से भुलसी बनान गया मोहरंग भरने के लिए, वहाँ से गाड़ी लौटी हुई, उसके बाद ऊपर लेबिन हुई, लेबिन होने के बाद गाड़ी जो है वो लोग पैसे मांगने लगे, हमारे भाई ने पैसे पूरे दे दिए, फिर उससे 20 रुपये मांगने लगे तो उसने पैसे नहीं दिए तो उसको गोली मार दिया। अरुण कुमार गौतम जो कि हमीरपुर गया था 3 नंबर में भुलसी में मोहरंग भरने के लिए, जो कि मोहरंग भरने के टोकन कटाने के बाद पूरा पैसा जमा करने और नदी में गया मोहरंग भरने के लिए, मोहरंग भर के वो लौट रहा था तो खदान के ही लोग वहाँ पर बराबर करवाते हैं गाड़ी, खदान के ही मालिक लोग जो अपना वर्कर से बराबर करवाते हैं, बराबर कराने के तो वहाँ अवैध वसूली करते हैं कि हमको 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके वसूली करते हैं। वो वसूली करने के बाद उसने बराबर कराया, पैसा मांगा तो ड्राइवर ने कहा कि पैसे देने लगा 20-30 रुपये मतलब बराबर करे, उससे और मांगने लगे हमको दारू पीने के वो पैसे चाहिए, तो उसने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं हम इतने देते हैं इतने देंगे। तो जैसे गाड़ी में दोबारा बैठने लगा, बैठने से ही किसी ने बोला कि अगर पैसे ना तो गोली मार दो, उसने तुरंत गोली मार दी। ये कौन लोग हैं जिन्हें गोली मारी है? ये खदान के ही लोग थे, खदान मालिक का स्टाफ। हमारे ड्राइवर का नाम है अरुण और भुलसी खदान गए थे मोहरंग लेने, वहाँ से भुलसी खदान 3 नंबर में गए थे मोहरंग लेने, वहाँ से मोहरंग लेके ऊपर चढ़ के आए थे और ऊपर लेबरों से बराबर हुई थी, लेबरों से बराबर होकर के लेबरों 50 रुपये मांग रहे थे, उनको मैंने 30 रुपये दिए थे, उसके बाद छुट्टे नहीं थे और उन्होंने बोला, दो लोग बैठे थे, उन्होंने एक लोग बोले कि जो टोकन चाहते हैं वो बोले कि इनसे इनके पास पैसे नहीं है इनके गोली मार दो, उसने आया और गनर ने गोली मार दी। हत्या के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और बवाल की आशंका से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फर्म मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर खदान में मौजूद 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। सुबह अपनी गाड़ी को यहाँ से लूट करा के और अपना रॉयल्टी कटा के जब यहाँ से बाहर निकले हैं तो निकलने के इनके जो बीच में लेवलिंग की कार्रवाई की जाती है खदान संचालक के द्वारा, उसी लेवलिंग की कार्रवाई के दौरान वहाँ पे जो वर्कर थे और जो इनका गार्ड था उनके साथ में इनकी कोई बात बहस किसी चीज़ को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर आपस में इनका बहस हुई है, कुछ 30 रुपये और 50 रुपये का कुछ विवाद था, उसी पे जो गार्ड था उसने इनको जब ये आपस में बहस ज़्यादा बढ़ गई तो उनके द्वारा इनको गोली मार दी गई जिसमें इनकी मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतक के जो पिता हैं उनके द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो खदान संचालक है उनके जो मैनेजर हैं और उनके करीब 7-8 जो वर्कर जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे इनको सभी को हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है कि जल्दी इस घटना का निर्माण किया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, इसमें जो गार्ड इन्होंने रखा था उसके पास में जो लाइसेंस वेपन था तो उसको लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई और उसको जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जिन लोगों ने उसको हायर किया था उस आदमी को तो उनकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उन्होंने क्यों यहाँ पे हायर किया जो किस तरह की घटना हुई। बुंदेलखंड में सैकड़ों की तादाद में मोरंग खदानें चल रही हैं, खदानों में पट्टाधारकों की दबंगई चरम सीमा पर है, आए दिन खदानों में हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन पट्टाधारक पर कार्रवाई करता है या अन्य मामलों की तरह लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा। लाइव टुडे के लिए हमीरपुर से विनीत तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ और वारदातों के साथ। नमस्कार।